दोस्तों यार आज हम बात करने वाले हैं नोकिया की तरफ से आने वाले नोकिया के जो है 50 इंच अल्ट्रा एच डी 4K LED स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी के बारे में। ये जो स्मार्ट टीवी है 50 इंच के बड़े स्क्रीन साइज़ के साथ आता है और इसमें आप सभी को डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। ये जो टीवी है आप सभी को काफ़ी अच्छे कलर्स एंड शार्पनेस के साथ पिक्चर क्वालिटी दिखाता है। तो आइए बात करते हैं इसी स्मार्ट टीवी के डिटेल्स के बारे में, आप सभी को इसकी प्राइस भी बताऊँगा। प्राइस देखें तो काफ़ी अच्छा रखा गया है, आप सभी को जो है बड़ी सी स्क्रीन मिल रही है एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे। तो बात करते हैं इसके जो है यहाँ पे फीचर्स की। इस टीवी में आप सभी को काफ़ी अच्छा ऑडियो मिलने वाला है क्योंकि नोकिया का ये जो टीवी है आप सभी को डॉल्बी एटमॉस 24 वॉट बॉक्स स्पीकर सिस्टम के साथ देखने को मिलता है जो कि प्रोवाइड करते हैं आप सभी को सराउंड साउंड और यहाँ पर आप सभी जो है फेवरेट मूवीज गेम्स वगैरह को आराम से ईजिली इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय कर पाओगे। वहीं पर एंटरटेनमेंट की बात करें तो ये एंड्रॉयड 11 पे चलता है सो आप सभी को जो है काफ़ी अच्छे कंटेंट्स मिल जाते हैं। 7000 एप्लीकेशंस इसमें जो है प्रोवाइड की गई हैं और वहीं पे जो है हैंड पिक्ड कंटेंट वगैरह भी यहाँ पे दिया गया है। सो आप सभी जो है 4K की वीडियो क्वालिटी में यहाँ पे आप जो है एक अच्छी क्वालिटी की जो कंटेंट वगैरह है पिक्चर क्वालिटी वगैरह इन्जॉय कर पाओगे। डुअल बैंड का वाईफाई भी मिलता है सो यहाँ पर जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो सुपर फास्ट हो जाती है सो आप जो है कनेक्टेड रह सकते हो ऑलवेज वर्ल्ड से। वहीं पे इस टीवी में कलर रिच डिटेलिंग दी गई है, डॉल्बी विजन के साथ आता है ये टीवी, HDR10 का सपोर्ट मिलता है सो आप सभी को ब्राइटनेस वगैरह काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, शार्पनेस अच्छी देखने को मिलेगी, कलर रिप्रोडक्शन यहाँ पे आपको जो है काफ़ी अच्छा इस टीवी में देखने को मिल जाता है। टॉप नोच की परफॉर्मेंस मिलने वाली है, ऑटो लो लेटेंसी मोड के साथ आता है जो कि एनेबल करता है आपके टीवी को ऑटोमेटिकली स्विच करने में गेम मोड में और वहीं पे आप सभी को MEMC की भी टेक्नोलॉजी इसमें मिलती है सो आप सभी को मोशन ब्लर वगैरह जो इसमें देखने को मिल जाता है, मतलब जो ब्लर वगैरह होता है वो कम हो जाता है सो आप सभी जो है यहाँ पे इजीली जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के जो है विजुअल्स एंजॉय कर पाओ। वहीं पे जो ये टीवी है वो आता है लो ब्लू लाइट एमिशंस के साथ में सो यहाँ पे डैमेजेस वगैरह कम रहते हैं ब्लू लाइट के जो होते हैं, ब्लू लाइट से डैमेजेस होते हैं आप सभी का आँखों को वो इसमें कम देखने को मिलते हैं। वहीं पर आप सभी को जो है इस टीवी में और भी फीचर्स मिलते हैं जैसा मैंने आप सभी को बताया ड्यूअल बैंड का वाईफाई तो मिलता ही है। वहीं पे इसमें MediaTek का पिक्चर इंजन दिया गया है एंड VA टाइप पैनल है सो कलर्स वगैरह आप सभी को अच्छे देखने को मिलेंगे, स्मूथनेस बनी रहती है, कोई लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा एंड 178 डिग्री का व्यू एंगल इसमें दिया गया है, 7 पिक्चर मोड्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे दो स्पीकर्स मिलेंगे जो कि बॉक्स टाइप के स्पीकर्स हैं, डॉल्बी एटमॉस की जो है सपोर्ट के साथ आएंगे, 24 वॉट का आपको आउटपुट इसमें देखने को मिल जाता है। वहीं पर 2 GB की रैम, 8 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, Mali G52 का ग्राफिक प्रोसेसर दिया गया है और क्वाड कोर का प्रोसेसर इसमें मिलता है सो ओवरऑल आप देखोगे तो हार्डवेयर आपको अच्छा मिल रहा है, परफॉर्मेंस आपको जो है अच्छी ऑफर करेगा ये स्मार्ट टीवी। वहीं पे नेटफ्लिक्स जैसे एप्लीकेशन सभी इसमें सपोर्टेड हैं, आप OTT कंटेंट्स को आराम से एक्सेस कर पाओगे, YouTube, डिजनी प्लस हॉटस्टार, प्राइम वीडियो जैसे एप्लीकेशन को इसमें जो है आप आसानी से चला पाओगे। वहीं पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसका वो एंड्रॉयड है सो यहाँ पर आप सभी को जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है जो कि काफ़ी फास्ट और स्मूथ काम करता है और आपको अच्छे फीचर्स भी प्रोवाइड करता है और जो है टोटल 4 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, 2 USB के पोर्ट्स मिल जाएंगे, एक हेडफोन जैक भी इसमें दिया गया है। स्क्रीन मिररिंग वगैरह आप जो इजीली कर पाओगे, स्क्रीन कास्ट कर पाओगे आप जो है अपने स्मार्टफोन वगैरह के। तो ये टीवी ओवरऑल आप देखोगे तो सभी फीचर्स के साथ आता है, स्लिम डिज़ाइन है इसकी, बेजल्स बहुत कम देखने को मिलेंगे। वहीं पे बात करें इसके जो है प्राइस की तो 33,990 रुपीज़ इसकी प्राइस है फ्लिपकार्ट पे, वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हो एंड आप सभी को मिल जाएगा वहाँ पे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हो तो।